चूंकि शास्त्र को श्रवण मनन करते हैं, वही अध्ययन और अध्यापन करते हैं, तो दृढ़ विश्वास है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए साधन है यज्ञ। उनके चित्त में साध्य और साधन का बिल्कुल निश्चय सही है। साध्य है स्वर्ग लोक की प्राप्ति और साधन है यज्ञ। विधिवत उन्होंने आचार्यों का वरण किया और अपना यज्ञ पूरा कर रहे थे। यज्ञ का नाम हुआ विश्वजित नाम का यज्ञ। विश्वजित सारे विश्व का स्वामी हो जाऊं। जब इतना बड़ा विश्व का स्वामी बनना है तो उसकी विधि है कि उसमें अपना जो सब कुछ है वो सब दान कर दो। सब त्याग करके ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जिस समय वो त्याग कर रहे हैं, उनके चित्त में अपने पुत्र के प्रति थोड़ी ममता आई और उन्होंने अच्छी अच्छी गाय, अगर अच्छी गाय ना होती तो फिर वहाँ कोई समस्या नहीं थी। मेरे पास जो है उसी का हम दान कर रहे हैं, बुढ़ी है तो वही दान कर रहे हैं। लेकिन उनके पास गायें थी, इसलिए भगवान भास्कर ने कहा विभागेन, उन्होंने विभाग कर लिया कि ये कुछ गायें हमारे पुत्र के लिए और कुछ गायें हम इस यज्ञ में अंतिम विधि में दान करेंगे। ये जो दान का समय है ना, इसमें कहते हैं दान उसका होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ममत्व बुद्धि है उसी का दान किया जाता है। जो श्रेष्ठ है उसी का दान किया जाता है। बौद्ध धर्म में एक परंपरा थी पहले कि परिवार का जो सबसे पहला बालक होता था पुत्र, उसको लामा बनाते थे, मठ में दे देते थे। और भी कई जगहों पर ऐसा है। अभी शायद आप लोग एक जगह देखे होंगे, नगली, हरिद्वार से मेरठ के से आगे जाओ तो हरिद्वार के रास्ते में, तो नगली तीर्थ कहते हैं। नगली तीर्थ वहाँ पर का जो वहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ का लगभग बहुत सारे बच्चे जो है अपने परिवार का एक बच्चा आश्रम में दे देते हैं, नगली तीर्थ वाले। उनका वो एक तरीके से उनके भक्तों के समाज में ये एक अघोषित नियम है। और अभी हम लोग जब गए तो अनुपम और हम, तो एक जो आश्रम को संभाल रहे थे उनको बारे में बताया, स्वामी जी छोटा बच्चा था तभी से है, और बिल्कुल एक छोटा बच्चा था, उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा सबसे नया वाला महात्मा है। वो रहा होगा तीन चार साल का रहा होगा, ऐसे कहा था ना, ये सबसे नया वाला महात्मा है। हाँ बिल्कुल छोटा सा। हाँ वो शिव प्रेमानंद जी के यहाँ पर, वो निजात प्रेम धाम हरिद्वार में, उन्हीं की शाखा है, नगली तीर्थ वालों की शाखा है। तो अपने यहाँ आए थे शिव प्रेमानंद जी, तो उनके यहाँ, वो नगली तीर्थ से जुड़े हुए। तो ये जो श्रेष्ठ है उसका दान करना चाहिए। अपने यहाँ दान में क्या था, भू दान करो क्योंकि जमीन से ममता होती है, स्वर्ण दान करो। हाँ लोहे का दान नहीं लिखा हुआ है, लोहे का दान कहाँ है। हाँ झाड़ू का दान कहाँ लिखा है। ओ हाँ एक आध दिन वो पंखा उंखा दान करते हैं, घड़ा ओड़ा भर करके पानी ऊनी शरबत वरबत, लेकिन स्वर्ण दान है, भू दान है, कन्या से ममता है तो कन्या दान है, गौ दान है, विद्या दान है। दान किसका, बोले जो श्रेष्ठ हो, अच्छी चीज हो। ये नहीं कि कुछ काम की चीज रही नहीं तो उसको कहा ले जाओ आश्रम में पहुंचा दो। ये लगभग गुरुदेव ने मंदना में बहुत डांटा था, मंदना में मकान पर, मंदना में ऐसा हुआ तो गुरुदेव के किसी ने भेजा कुछ, तो गुरुदेव बहुत उस समय थे, जोर से डांट के बोले, माई आश्रम इज नॉट अ डिस्पोजल हाउस। हाँ ये कोई मेरा आश्रम डिस्पोजल हाउस थोड़े है, डस्टबिन थोड़े है कि जो तुम्हारे यहाँ का कचड़ा हो गया उठा के मेरे आश्रम में रख दो, देना है तो। अच्छा अच्छा, तो दान हमेशा श्रेष्ठतम वस्तु का किया जाता है, खास करके जिसमें हमारी विशेष तौर से ममत्व बुद्धि है, क्योंकि साधना में ममता को कम करना है, आसक्ति को कम करनी है, और ममता जिस वस्तु में है, स्वर्ण में, गौ में, जमीन में,
श्रेष्ठ वस्तु का दान करना चाहिए। इन्होंने वो अच्छी अच्छी गाय को बचाया और खराब खराब गाय दान करने लगे। वो बालक विचार करता है, इस प्रकार से जो दान करता है उसको ऐसा लोक मिलता है कि जहां पर सुख नहीं होवेगा, असुख। इसका मतलब शास्त्र का ज्ञान उसका है, शास्त्र का ज्ञान नचिकेता को है, नहीं तो ये कैसे सोचता। हाँ, तो फिर वो शास्त्र का अध्येता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है और विद्यार्थियों के साथ। अब सीधे जाके पिताजी को टोकना अच्छा नहीं लगेगा, ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा, मर्यादा के विरुद्ध है। जैसे अपने श्रेष्ठ जनों को, दादा दादी, माता पिता, गुरुजनों को तू कह कर के बोलना, ये उनका अपमान है। तू कह कर के बोलना, महाभारत में इस पर एक कथा आती है कि तू करके बोल दो और हो जाएगा, मान लिया कि तुमने उसको हत्या कर दिया ऐसा। हाँ, तू कह करके बोल दो, उसकी हत्या हो गई एक तरीके से अपने से। ओ, फिर अर्जुन ने तू कह करके युधिष्ठिर को ऐसा बोला था, उस समय पर ऐसा हो गया था एक परिस्थिति। कथा सुनी कि नहीं? नहीं, चलो शाम को सुन लो। अर्जुन वो जब वो कर्ण ने बहुत मारा युधिष्ठिर को ना, तो युधिष्ठिर घायल होकर के रणभूमि छोड़ के भाग गए। वो तो दया करके छोड़ दिया कर्ण ने। और जब घायल होकर के आके अपने खेमे में पड़े रहे और खबर लगी तो भगवान ने कहा धर्मराज तो घायल हो गए हैं। तो अर्जुन ने कहा चलो भ्राताश्री को देखें। भगवान लेके अर्जुन को आ गए बीच समय में, दोपहर में ही युद्ध उस समय दिन का सूर्यास्त नहीं हुआ था, तो विराम नहीं हुआ था, दोपहर में आ गए। युधिष्ठिर ने देखा तो युधिष्ठिर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा लगता है कर्ण को मार के आया है। उन्होंने ये समझा कर्ण को मार के आया है, क्योंकि कर्ण से घायल हुए थे तो बेइज्जती हो गई थी। तो युधिष्ठिर ने बहुत प्रशंसा किया, धन्य है तेरे, तेरी महिमा है, तेरा ऐसा है वो है, बड़ी प्रशंसा किया, भ्रम हुआ। तो भगवान ने कहा भ्राताश्री अभी कर्ण मरा नहीं है, ये तो आपको घायल हुआ ऐसा सुन करके आपको देखने के लिए आ गए। बस उसके बाद युधिष्ठिर का मन बदल गया और जो कटु वचन बोलना शुरू किया, तेरे अर्जुन नाम रखने का धिक्कार है, सव्यसाची कहलाता है, किस काम का, गांडीव को धिक्कार है, यमुक, सब बुरा भला कहा। अंदर अंदर की सारी वेदना उन पर उड़ेल दिया। और उसके बाद फिर अर्जुन ने कमर से तलवार निकाली। भगवान ने कहा अर्जुन तलवार क्यों निकाल रहे? तो अर्जुन ने कहा प्रभु क्या करूं, मैंने मन में पहले प्रतिज्ञा करके रखा था पूर्व में कि जो कोई मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसकी गर्दन काट दूंगा। अब वो मेरी प्रतिज्ञा थी पूर्व की, तो अब चाहे भले भाई हो, मेरे गांडीव की निंदा किया तो अब तो गर्दन काटूंगा। तो अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब या तो युधिष्ठिर नहीं या तो फिर अर्जुन का बेइज्जती। अंत में भगवान ने कहा जो बड़े लोग हैं उनको तलवार से मारना मारना नहीं होता, उनको तू कह करके बोल दो तो ही उनकी हत्या मानी जाती है। तब अर्जुन ने फिर तू कह करके संबोधित किया, कुछ अपशब्द बोले, तुमने क्या कर लिया, तुम कौन से वीर हो, तुमने जुआ खेला, तुमने सारी समस्या पैदा किया। इस तरीके से उसके बाद फिर युधिष्ठिर अपना मुकुट उकुट उतार के रख दिए, अपना आचर ओचर लेकर के, अब मेरा रहने का कोई मतलब नहीं, जब मेरा भाई तू कहकर बोलता मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। अच्छा, टीवी में आया था ना, तो इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन आता है। भगवान ने फिर उनको समाधान किया। तो भाव ये है कि जो गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उनको सीधे जाकर के, और जिसको कहो टोका टाकी या कुछ और करना, सो भी नहीं होता। हमारे यहाँ का एक परंपरा है, एक मर्यादा है। तो कहता क्या है, वही चीज़ है यहाँ पर वर्णन है। अब वो नहीं कहता कि पिताजी आप गलत कह रहे हो, कर रहे हो, ये नहीं कहता कि आपको बढ़िया गाय दान करनी चाहिए, ये नहीं कह रहा। उनके कर्म में दोष नहीं निकाल रहा है, उनके कर्म में दोष नहीं निकाल रहा है। और भगवान भास्कर कहते हैं पितुहु हित काम्य,
वो चाहता है कि हमारे पिता का हित हो, तो उसका तरीका दूसरा अपनाया। वो दूसरा तरीका ये था कि पिताजी सर्वस्व दान की विधि है, तो सर्वस्व में मैं भी तो आता हूँ, तो आप मुझको किसको दान में दे रहे हो। मंत्र पढ़ते हैं। साहोवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्युवे त्वा ददामीति। सा माने सामाने नचकेता, हो हा उवाच, नचकेता पहुंच गया पिताजी के सामने और उवाच बोला। अब वो कल्पना करो कैसे वेदी बनी है, चारों तरफ से आचार लोग बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, तो वहीं जाके वो खड़ा हो गया, गाय भी दान दी जा रही, तो वो जाके कहता है पिताजी पितरम, हे पिताश्री, कस्मै माम, आप हमको किसको दान में दे रहे हो। सबको सबको सुनाई पड़ा ये शब्द, आप हमको भी दान कर दीजिए क्योंकि मैं भी तो आपका हूँ, आप हमको किसको दान में करोगे। पिताजी ने सुन तो लिया, और कभी कभी जो बात अच्छी नहीं लगती ना, तो बच्चों की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसको सुन के भी अनसुना करते हैं। हाँ, अनसुना करते हैं, जैसे हट जाए जल्दी से जो है, तो वो मतलब अनसुना कर दिया, हाँ एवॉइड किया, सुन करके भी नहीं सुना, तब उससे रहा। अब पिताजी क्या सोचे थे कि अब जब एक बार नहीं उत्तर दिया तो उठ के यहाँ से चला जाए, लेकिन वो गया नहीं। द्वितीयम माने दूसरी बार भी उसने यही कहा, पिताजी आप हमको भी दान कर दो। अब भाग जाए, चल चल, मन में वही था कि चल उधर से उधर जाओ, लेकिन महाराज वो नचकेता भी तो नचकेता। तृतीयम तम हो आज, उसने तीसरी बार बोला, पिताजी आप हमको भी दान कर दो, आप हमको दान में किसको दे रहे हो। आप तो उनका जो है क्रोध आ गया, छोटा सा बालक 7-8 वर्ष का, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार, और सबके बीच में बोल रहा है, तो भीतर गुस्सा आया। तो जैसे लोकाचार में, व्यवहारिक जगत में भी हम लोग ऐसा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कहे तो दादा दादी लोग कहते जा मर जा, हाँ ऐसा कहते हैं, ऐसा हाँ ऐसा कहते हैं, जा मर जा, दुष्ट रहे होंगे जब दुष्टता करते हैं तो माँ बाप ऐसे कहते मर जा, हाँ और तो कहा महारानी माई उठा ले जा, मैं धाधा माई खा ले, मैं ये सब जो तो उसी प्रकार से यमरा पिताजी वासरवसा ने कहा मृत्युवे त्वा दादा, तुम पूछ रहे हो ना किसको हमको दान में कर रहे हो, तो तुमको यमराज को दूंगा, जा तो मर जा, यमराज के पास चला जा। अब वो भी समझ गया कि गुस्सा आ गया है पिताजी को, ये भी समझ लिया कि गुस्सा आ गया, फिर वहाँ से अब चौथी बार नहीं पूछा, उन्होंने कह दिया तुझको मैं यमराज को देता हूँ। उसके बाद उठ करके नचकेता वहाँ से अंदर कहीं बैठ गया। इसका भाष्य देखना है तो भाष्य देख लो। तदेवम क्रतु, यहाँ पर जो संधि विच्छेद करना, तदेवम क्रतु असंपत्ति निमित्तम पितु अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता निवारणीयम आत्म प्रदानेन अपि क्रतु संपत्तिम कृत्वा इत्येवम मत्वा पितरम उपगम्य साहोवाच। तद एवं वह विचार किया, क्रतु असंपत्ति निमित्तम, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, क्रतु माने यज्ञ, वह जो यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में जो पूंजी होनी चाहिए, यज्ञ की जो पूंजी होनी चाहिए, विधि होनी चाहिए, उस पूंजी में कमी हो रही है ना, असंपत्ति निमित्तम, उस यज्ञ में एक दोष हो रहा है, क्योंकि जो गाय हैं लेकिन उस गाय को बचा करके खराब दी जा रही हैं, तो वह दान में दोष हो रहा है, तो यह एक संपत्ति, एक पूंजी की कमी हो रही, इससे यज्ञ पूरा नहीं होगा, असंपत्ति निमित्तम, तो फिर क्या होगा, पितुः अनिष्टम, फिर पिता को अनिष्ट फल मिलेगा, अनिष्ट माने जो हम चाहते नहीं, ऐसा फल मिलेगा। माया पुत्रेण,
सता निवारणीयम, तो मैं पुत्र हूं पिताजी का, तो अपने पिताजी का वह जो अनिष्ट फल होगा उससे इनको बचाना चाहिए। कैसे? आत्म प्रदानेन अपि, अगर हमको स्वयं को भी दान करना पड़े तो भी स्वयं को भी दे करके अपने पिता का अनिष्ट से बचाने के लिए यज्ञ ठीक प्रकार से पूरा हो जाए, इसलिए स्वयं को भी देना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं, ऐसा विचार करता है। क्रतु संपत्तिम कृत्वा, तो जिससे क्रतु संपत्तिम माने यज्ञ, यज्ञ विधिवत पूरा हो जावे। अरे जब हम ही को दान कर देंगे, हमको दान कर दिया तो हमारी जितनी संपत्ति है वो सब हमको दान कर दिया, तो हमारी सारी चीज का भी तो दान एक तरीके से हो ही गया ना। ये कई बार ऐसा वर्णन आता है, जैसे हमारी कन्या है, वो कन्या की गेंद है, कन्या का खिलौना है, कन्या का जो है वस्तुएं हैं, और जब कन्या को दे दिया तो वो सारी संपत्ति भी चली गई ना, जो उसकी संपत्ति थी। भगवान ने, शंकर जी ने जब सती जी को वहाँ से भेजा नंदी पर, तो कहा था इनका तोता भी ले जाओ, एक तोता पाल रखा था सती जी ने, इनका गेंद भी ले जाओ इनके साथ में। हाँ, जब दक्ष के यज्ञ में चलती हैं, ताम सारिका कंदुक सब कुछ लेके जाती हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो जब नचकेता का ही दान हो जाएगा तो उसके उसके निमित्त जो संपत्ति बचा रहे वो भी सब दान हो गया। जांबवान का सिमंतक मणि का प्रसंग आता है, तो वही कह रहा है क्रतु संपत्तिम कृत्वा, जिससे यज्ञ की विधि अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए, ऐसा मत्वा विचार करके पितरम उपगम्य, पिताजी के पास जा करके सा होवाच, उसने बोला पितरम, हे पिताजी, हे तत तात, हे पिताश्री, कस्मै ऋत्विक विशेषाय दक्षिणार्थम माम दास्यसि इति प्रयच्छसि इति एतत्। कस्मै, यहाँ पर जितने आचार्य लोग बैठे हैं, जितने यहाँ पर आचार्य लोग पुरोहित वर्ग बैठा हुआ है, इनमें से कस्मै किसके लिए, किस पुजारी को, किस आचार्य को दक्षिणा में हमको दे रहे हो, दक्षिणार्थम माम, दक्षिणा में हमको भी दे दो, जैसे गाय दे रहे हो वैसे हम भी आपकी संपत्ति हमको दे दो, किसको दे रहे हो? प्रयच्छसी इति एतत्, तो जो मंत्र में है दास्यसी उसी का भाव किया, प्रयच्छसी, किसको आप दान कर रहे हो? एवं उक्तेन पित्र उपेक्षमाणो अपि, एवं उक्तेन पित्रोपेक्षमाणो अपि द्वितीयम तृतीयम अपि उवाच, कस्मै माम दास्यसि, कस्मै माम दास्यसि, एवं उक्तेन, जब इस प्रकार से नचकेता ने कहा तो पित्र उपेक्षमाणः अपि, पिताजी ने उपेक्षा किया, किनारे कर दिया, ठीक है चुप हो जाए, चुप हो जाए, कोई बात नहीं, बच्चा है, उपेक्ष। द्वितीयम, दूसरी बार बोल दिया, तृतीयम अपि उवाच, जब तीसरी बार बोला, वही तीसरी बार वही शब्द बोला, कस्मै माम दास्यसि, कस्मै माम दास, आप हमको किसको दे रहे हो, शब्द वही था। तब अब उनको क्रोध आया, तो मन में क्या आया, ना अयम कुमार स्वभावा इति, ना अयम कुमार स्वभावा, ये बच्चे का जैसा व्यवहार नहीं है, ये पुत्र के जैसा व्यवहार नहीं है, क्यों? क्योंकि शिष्य और पुत्र और बालक का व्यवहार होए कि कहना माने, या कह सकते हो कि इशारा समझ जावें, हाँ इशारा समझ जावें, ये नहीं है कि जबरदस्ती करे, ना अयम कुमार स्वभाव, ये बालक का स्वभाव, ये विद्यार्थी का स्वभाव नहीं है। क्रुद्धासन पिता तम पुत्रम किल उवाच, क्रुद्धासन, क्रोधित हो गए, और वो पिताजी ने फिर उस नचकेता की तरफ थोड़ा लाल लाल आंख से देखा भी होगा, हाँ गुस्से में, हाँ देख करके, और उनको कहा मृत्युवे वैवस्वताय त्वाम ददाम इति, मृत्युवे, मृत्युवे मृत्यु के देवता कौन, हाँ ये नहीं कि जाके कुएं में कूद के मर जाओ, नहीं ये नहीं बोला, हाँ जाके गड्ढे में डूब मरो ऐसा नहीं कहा, मृत्युवे वैवस्वताय, हाँ भाई सूर्य देवता के पुत्र जो हैं यमराज, उनको मैं दान तुमको देता हूँ, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाओ, तुमको मैं मृत्यु देवता को देता हूँ, इतना हो गया। थोड़ा सा एक लाइन नीचे और देखो, हाँ
स एवं उक्ता पुत्रः एकान्ते परिदेवयान् चकार कथम इति उच्यते। स एवं, इस प्रकार से जब पिताजी ने कह दिया, एवं उक्तः वह पुत्र नचिकेता एकांते एकांत में जाके बैठ गया। फिर अब चौथी बार नहीं बोला। हाँ, वैसे तुम लोग होते तो का पता है क्या बोलते, पिताजी सही सही कह रहे हो कि मर जाऊं बोलते तो ऐसे सही सही कह रहे हो कि झूठ है, मजाक तो नहीं कर रहे हो, सही सही कह रहे हो कम से कम आप लोग तो ऐसा नहीं। वो कुछ नहीं बोलता। जब उन्होंने कह दिया जा तो उसको यमराज को देता हूं, तो एकांत एकांत में चला गया। परिदेवयान चकार, और मन में थोड़ा चिंतित होकर के, परिदेवयान माने परिदेवना, चिंतित होकर के अनुताप कष्ट में विचार करने लगा, चिंतन करने। कथम, क्या विचार करता है वो एकांत में, क्या विचार, कथम इति उच्यते, क्या विचार करता है अकेले बैठ के, मंत्र पढ़ो, यही विचार करता है जो मंत्र में लिखा है। बहु नामे मि प्रथमो, बहु नामे मि मध्यमः, किं स्वेद्यमस्य कर्तव्यम्, यन्मयाद्य करिष्यति। बहु नामेमि प्रथमः, बहु नाम एमि प्रथमः। जब हमारे पिताजी के पास बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे तो उसमें मैं भी बैठ के पढ़ता था। बहु नामेमि माने बहुत सारे बच्चे रहते थे, पुत्र भी थे उनमें, बच्चे भी थे और शिष्य भी लोग भी थे। तो कभी कभी बहुत सारे शिष्यों के बीच में मैं प्रथम आ जाता था। बहु नाम एमि प्रथमा, बहुतों के बीच में मैं कैसे फर्स्ट डिवीजन आ जाता था। हाँ यही ना, और फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या होगा आगे बताते हैं। और बहु नाम में एमि मध्यमा, कभी कभी और सारे जितने बच्चे होते थे तो उनके बीच में मैं सेकेंड हो जाता था, मध्यमा बीच में आता दूसरे। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं तीसरी श्रेणी में आया हूँ, थर्ड डिवीजन कभी नहीं आया हूँ मैं, या तो प्रथम या मध्यम, अधम कभी नहीं हुआ। किम स्विद यमस्य कर्तव्यम, पिताजी ने कहा यमराज के पास चले जाओ तो ऐसा लगता है यमराज का कोई काम होगा। किम स्विद यमस्य, क्या ऐसा, ऐसा लगता है कि माने क्या, यमराज का कोई कोई यमस्य यमराज का ही कोई कार्य होगा, कर्तव्यम, जिसको हमको इस तरीके से कह दिया गया, यन माया अद्य करिष्यति, जो हमको करना है। तो पिताजी ने ऐसा कहा है तो इसलिए है। एक लाइन थोड़ा सा हम टीका पढ़ते हैं, ओ आप लोगों में नहीं है। हाँ हम टीका पढ़ लेते हैं तो फिर आगे जो है भाष्य में फिर देखना, बहुत बढ़िया है। यथा अवसरम गुरोः इष्टम ज्ञात्वा सुश्रुणे प्रवृत्तिर मुख्या। यथा अवसरम, कभी कभी गुरोः इष्टम, जैसे पिताजी हैं, माताजी हैं, गुरुजी हैं, तो उनको जो इष्ट है, जो उनके मन का भाव है, ज्ञात्वा, वो अपने आप जान गए, हम इतना हमारा भाव है, उनके मन के भाव को समझ गए, और सुश्रुषणे, वैसी हमने उनकी सेवा कर दी। ये है प्रथम श्रेणी का, गुरुजन का, माता पिता का, दादा दादी का, श्रेष्ठ लोगों का मन के भाव को समझ गए और वैसे हमने काम कर लिया, इसका नाम हुआ प्रथम। ठीक है, प्रथम तो आओगे नहीं तुम लोग। हाँ, तो चलो दूसरा, आज्ञावशेन मध्यमा, आज्ञावशेन मध्यमा, वो आप में नहीं लिखा है, वहां मत देखो, ये टीका में है। हाँ, आज्ञावशेन मध्यमा माने कभी कभी जो और हैं तो अपने आप नहीं समझ पाते, तो हमने कहा कि ऐसा करो तो आज्ञा का यथावत श्रद्धा पूर्वक पालन कर लेते हैं, वो हो गए मध्यम, वो मध्यम है, जैसा कहा गया वैसा कर लिया।
वो है मध्यम। कह दिया गुरुजी को पसंद नहीं कि बाहर घूमे कोई, गुरुजी को बाहर घूमना पसंद नहीं, इतने समझ करके बाहर नहीं घूमने जाता। कौन हो गया ये? मध्यम नहीं, उत्तम हो गया, क्योंकि गुरुजी को पसंद नहीं है, समझ गए है ना। और फिर अगर हमने किसी को सड़क पर घूमते देख लिया, तब हमने उसको टोक दिया, अब आज तो आ गई गलती हो गई, अब दोबारा कभी आना मत, दोबारा बाहर मत घूमना। तो हमारा कहना सुन करके आज्ञा से उसने मान लिया बाहर नहीं जाता, तो कौन सी श्रेणी का हुआ वो? मध्यम। हाँ, मन के भाव को समझ के कर लिया तो उत्तम, कहने पर माना तो मध्यम। अच्छा, और कहा भी जाए और ना माने तो वो कहते हैं तद अपरिपालने अधमा, तद अपरिपालने, जो आज्ञा दी जाए वो भी माने ना, उसको क्या कहेंगे फिर? वो अधम कोटि में आया, उसको अधम कहा गया। ए तो गुरु जी का काम है कहते रहना। हम इधर से गाड़ी हमारी जा रही थी, और वहाँ पर अभी नहीं, एक बच्चा, दो बच्चे, दो थे शायद, दो थे, और लुंगी उंगी पहने तो पता ही लग जाता है, कुछ समोसा वमोसा खा रहे थे वहाँ पे सड़क जहाँ है अनौरा, वो कला वाला जो है रस होटल में कहीं कुछ खा रहे। जैसे हमारी गाड़ी देखा भागा, और जहाँ वो भानु वाला घर बने हैं ना खड़हारा, उसी में से किसी में घुस गया वो। अब किसी में जाके घुस गया, हमने देख लिया, तो विद्यार्थी तो पहचान ही जाते हैं, हम देख लिया, पहचान भी लिया, लेकिन फिर हमने दोबारा उसको कभी टोंका नहीं, हमने कहा जब इतना उसने जो है कर लिया बहुत है। तो ऐसा अब अपने सब जगह पर होता है। तो उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम माने मन का, अब जैसे पिताजी बाहर से आए, ये दृष्टांत में देता हूँ, पिताजी बाहर से आए, गर्मी का महीना है, होंठ सूख रहे हैं, खुद ही दिखाई पड़ रहा है, बच्चा जल्दी से गिलास पानी लेके आ गया, क्या कहोगे? कौन सी श्रेणी का हो गया वे? उत्तम हुआ। अब दूसरा है, वो आके पिताजी बैठ गए, वो भी अपना टीवी देख रहा है, खेल रहा है, अपने आप नहीं समझ में आया, पिताजी ने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आना, जा करके श्रद्धा से गिलास पानी लेके आया, पिताजी को प्यास लगी, ये मध्यम हुआ। जो कहना मान लिया वो उत्तम नहीं, वो कौन हुआ? कहना कहने से करे वो मध्यम है। अब पिताजी ने कहा एक गिलास पानी ले आ यार, प्यास लगी है। अब उसका बड़ा मन खराब हुआ। वो गुस्से में भुनभुनाता गया, उठा गया भुनभुनाते हुए, ले गिलास पानी ला करके पिताजी के सामने पटक दिया, चैन से बैठने भी नहीं देते, लो पी लो मरो। अब ये तीसरी श्रेणी में हो गएगा, ये तीसरी श्रेणी ताद अपरिपालनेन अधमा, ये तीसरी श्रेणी में हो गया। वो कहता है मैं कभी प्रथम आता था और कभी मध्यम आता था, तीसरी श्रेणी में मैं कभी भी आया नहीं, तो मुझको क्यों कहा? देखो उस बात को भाष्य में देखना। बहु नाम शिष्याणाम पुत्राणाम वा अयमि गच्छामि प्रथमः सन मुख्यया शिष्याद वृत्त्या इति अर्थः। बहु नाम शिष्याणाम, बहुत सारे शिष्य हमारे पिताजी के थे, पुत्राणाम भी, या जैसे चार पांच पुत्र हैं तब भी, वा एमि गच्छामि, अयम मन गच्छामि, मैं इस मार्ग पर चलता था, ऐसा मेरा जीवन का व्यवहार होता था, कैसा? प्रथमः सन, मैं प्रथम होकर के उत्तम श्रेणी में आता था, यानी जैसा कहा आचार्य ने शिष्यादि वृत्त्या वैसा मैं स्वीकार कर लेता था, बिल्कुल उनके मन की बात को समझ लेता था, उनके मन की। अब ये साधना शिविर वगैरह में देखो ना आप लोग, तो चाहे जितना मैं कहूँ कि मेरे आने के पाँच मिनट पहले आ जाना, साधना शिविर में देखो ना, तो अपने अपने सत्संगी लोग और फिर देर तक आते रहते हैं, चाहे जितना कहो, जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी सत्संग होता है, आप चाहे जितना कहते रहो, वो फिर
नहीं हो पाता। चाहे जितना आप कहिए कि देखो बाहर मत घूमने जाना, और जैसे मौका पाते हैं सब दोपहर में बाहर है, बाहर साधना से भी खूब देखा होगा, घूमने तो आए हैं, कौन से यहाँ पढ़ने आए हैं। हाँ, चाहे जितना मैं कहूँ बोलना मत, हाँ चुपके चुपके बोलते थे, हाँ ऐसा धीरे धीरे बोले कि सुना ही ना पड़े। 9 बजे सो जाना, सब सो गए 11 बजे। चाहे जितना ये हमारे आचार लोग सर पीट लेवे कि विद्यार्थी मोबाइल मत रखना, अरे आप लोग मुंह धो रखो। हाँ, अब भी हम कमरा चेक करने जाएं तो कम से कम 9 मोबाइल निकलेंगे, आप क्या समझते हो। भ्रम में मत पड़ना, वो सब बंद रहता है, रात में चल जाएगा, बात कर लेंगे, ऐसे सब सब होता है। जब हमारे महात्मा लोग नहीं मानते तो हम और हम लोगों के आश्रमों में नहीं मानते लोग, चाहे जितना मैं कहूँ तो और क्या। तो ये होगा कि नहीं, जा मोबाइल होगा विद्यार्थियों के पास, बाहुनाम बिल्कुल उत्तम श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का और अधम। ये भागवत में राजा ययात के प्रसंग में यही इसी का जो है अनुवाद किया गया, जब उनके सामने युवावस्था अपनी दे दो और हमारी वृद्धावस्था ले लो, तो वहाँ पुरु नाम का जो उनका छोटा लड़का था वो ऐसा कहता है। हाँ, वो वहाँ पर ऐसे, हाँ नहीं चार मना करते हैं, दो पत्नी थी ना देवयानी शर्मिष्ठा, तो देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु बड़े थे और शर्मिष्ठा के 3 थे, सबसे छोटे का नाम पुरु था। तो 4 ने मना किया, तो सबसे छोटे ने अपना इस सूत्र के अनुसार उसने कहा कि 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, तो उसने फिर ऐसा कह करके ले लिया। चलो ठीक है, शिष्यादि वृत्ते इत्यर्थ। मध्यमा नाम चा बहुनाम मध्यमो मध्यमया एव वृत्त्या अयमी। मध्यमा नाम जाने वही बहु नाम मध्यमे, जब बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे बच्चे लोग हैं, तो उनके बीच में मध्यम वृत्ति से यानी कहने के अनुसार मैं कर लेता था, जैसा गुरु जी कहते थे वैसा मैं कर लेता था। ना अधमया कदाचित अपि, देखो अधम कोटि में तो कभी हम आए नहीं। नचकेता अपने भीतर कितना आत्मविश्वास होगा, अधम कोटि में, अधम कोटि माने आज्ञा का पालन ना करे हों, ऐसा तो हमारे जीवन में कभी हुए नहीं, या उत्तम या मध्यम, अधम की श्रेणी में तो मैं आए नहीं कभी। बोलने का पालन नहीं करना, हाँ मतलब गुरु जी ने कहा भी, पिताजी ने कहा भी तो भी नहीं किया। गुरु जी ने कहा पूरब जाओ तो कहता मैं पश्चिम जाऊंगा, आपका जमाना लद गया। हाँ, ना अधमया कदाचित, मैंने अधम वृत्ति में तो कभी मेरा जीवन रहा ही नहीं। हम लोग अपने आश्रम में देखे हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तब वहाँ पर देखा है सब, तो ऐसा गुरुजी ने कह दिया कि ऐसा करना है तो कर लेते थे। अब पूरा मन का भाव नहीं समझते थे, कभी कभी थोड़ा हो जाता था, अब वो कभी कभी मौका मिला शाम को तो घूमने हम लोग भी निकल जाते थे, ऐसा नहीं है, दीवार फांद के भी गए हुए हैं लेकिन जब डांट देते थे तो उसके बाद नहीं जाते थे। तो या तो कभी प्रथम कभी मध्यम, अधम तो कभी होते नहीं थे, ना अधम या कदाचित अपि। अच्छा तो अब देखो, तम एवं विशिष्ट गुणम अपि पुत्रम माम ऋतवे त्वा ददाम इति उक्तवान पिता। तम एवं विशिष्ट गुणम अपि, ऐसा मेरे भीतर जो गुण है, मैं पिता के मन की बात समझ जाता हूँ, कर लेता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, और हमारे पिताजी को भी पता है, उनको भी पता है कि यह जो हमारा पुत्र है नचकेता, जैसा कहा जाता है वैसा ही ये कर लेता है, और हमको जानते हुए भी पिताजी ने ऐसा कहा कि मृत्युए त्वा ददामी, तुमको मैं यमराज को देता हूँ, ऐसा कहा है, तो पिताजी ने कुछ सोच के ही बोला होगा, बिना सोचे तो नहीं बोला होगा। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा ये नचकेता पुत्र या तो प्रथम या तो मध्यम कोटि में है, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कुछ और बालक करे ना, तो सोच करके ही बोला होगा। किम तो क्या 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 भाव होगा, सा किम स्विद यमस्य कर्तव्यम प्रयोजनम मया प्रत्येन करिष्यति।
यत कर्तव्यम अद्य सा, ऐसा लगता है कि वो जो यमराज जी हैं, यमस्य कर्त, वो जो यम देवता हैं, शायद वहाँ कोई काम हो, उनका कोई काम हो। और कभी कभी जो महापुरुष लोग जो कहते हैं ना, वो जल्दी समझ में बात नहीं आती, वो 5 साल बाद समझ में आता है बात, वो बहुत बात में समझ आता है कि ऐसा अगर ना। कभी कभी तो वो लग, जब कहा जाता है, डांटा जाता है, तो लगता है कि सजा दे दी गई हमको। हाँ, और हमारे साथ पक्षपात, हम ही को ऐसा करते हैं, हमारे साथ वैसा वैसा वो। एक बार जब हम अपने आश्रम में रहते थे ना, हमको अब याद आ गई घटना, बीच में है सिद्धवाड़ी में। तो एक बार जो है गुरुजी से हम जो है, हमारी गुरुजी में ठन गई, तो थोड़ा सा और बढ़िया ठन गई। हाँ, तो गुरुजी हमको डांटे, और तो कुछ दिन के बाद में जो है हमारे मन में आया, नहीं रहना यहाँ पे आश्रम में है, जब देखो तब तो हमें को डांटते रहते हैं, हम इतना काम भी करें, लाइब्रेरी संभालें, माइक संभालें, ये करते हैं, वह सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हम, नहीं रहता, जा रहा हूँ। तो वहाँ पर एक पाई जी करके थे, बाद में संन्यास ले लिया, और पाई जी, तो वो पाई जी वहाँ का जो है भोजन की पूरी व्यवस्था वही उनके हाथ में थी। साउथ इंडियन थे उस समय पर, गुरुदेव के समय में सब लोग, तो पाई हमसे बहुत प्यार करते थे, केरला के थे पाई, बहुत प्यार करते थे। तो उनको मैंने कहा मैं जा रहा हूँ यहाँ से, नहीं रहूँगा। तो उन्होंने हमको कहा कि घबराओ मत, गुरु जी का काम है, डांटते रहना, पूज्य गुरुदेव आने वाले कैंप है, उनका साधना शिविर है, तो वो आएंगे तो गुरुदेव से शिकायत करना, गुरुदेव को बताना। तो अब उनकी भी शायद गुरु जी से कुछ ठनी रही होगी, तो हमको कह दिया गुरुदेव के पास शिकायत करना, जैसा भी हुआ हम उनकी बात मान के रुक गए। और उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद में कैंप के साधना शिविर के लोग आना शुरू हुए, गुरुदेव आए, फिर गुरुदेव से टाइम लिया, टाइम गुरुदेव ऐसा ऐसा टाइम चाहिए, जल्दी टाइम हम लोगों को मिलता नहीं था, कुछ कहना है तो अपने आचार्य जी के पास जाओ, कुछ पूछना का हो तो आचार्य जी के पास जाओ, बाकी प्रवचन में सुनो। फिर गुरुदेव ने दिया, तो गुरुदेव ने ऐसा बताया, वो कई बार वो उनके प्रसंग में आया, प्रवचनों में भी कई बार बताते थे, कि एक बार गुरुजी जब पढ़ते थे, हमारे गुरुजी पढ़ते थे उत्तरकाशी में अपने गुरुदेव के पास, तो उनका भी ऐसे हो गया था। और वो जब वो गंगा जी के किनारे स्नान करते थे, तो गुरुदेव वस्त्र उनके जो है, गुरुजी हमारे गुरुदेव धुला करते थे, धुल करके पत्थरों में सुखा देते थे, फिर शाम को उसको ऐसे ऐसे चौपर करके, क्या कहते हो, घड़ी करके, और रख देते थे। उस समय प्रेस वगैरह तो था नहीं, तो एक दिन कोई वस्त्र उनका गुरुदेव का, पूज्य गुरुदेव का फटा था, वो पत्थर थर में फट गया होगा, और उसको ऐसे लपेट करके गुरुजी ने रख दिया। उसके बाद जब पूज्य तपो महाराज ने देखा, तो उन्होंने कहा मेरा कपड़ा फाड़ करके रख दिया, और उसको ऐसा चौपर्त करके रख दिया कि पता ना लगे। उसके बाद दूसरे दिन से जब प्रवचन शुरू हो गए, और महात्माओं का यही समय होता है प्रवचन का, जब प्रवचन शुरू हो गए तब चिन्मय बड़ा खराब है, हमारा कपड़ा फाड़ करके और उसको लपेट के रख दिया, जिससे पतन सब। और एक दो दिन नहीं, फिर एक दिन हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, अब गुरुदेव का वो प्रवचन तो गया वहीं अटक। और जब शुरू हो गए, ये चिन्मय का देखो कैसा नाटक करता है, कितनी कुटिलता भरी पड़ी है, हमारा कपड़ा फाड़ करके और उसको जो है ऐसा करके रख दिया। और रोज तो गुरुदेव कहते थे कि हम भी जो है एक दिन अपना सामान वामान पेटी में बंद कर लिए कि अब हम पढ़ने आए हैं, और सवेरे से शाम तक जो है हम ही को बोलते रहते हैं, हम ही को बोलते रहते हैं, हालांकि हमने किया नहीं, हमने फाड़ा, अब जानबूझ के थोड़े फाड़ा है हमने, हाँ, लेकिन फिर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, नहीं पढ़ना वढ़ना, वो भी अपना सब समेट उमेट लिए। तो वहाँ पर एक आध दो और महात्मा पढ़ने आते थे, तो जैसे आपस में चर्चा किए, तो वो कुछ महात्माओं ने, फिर वो महात्माओं ने समझाया, हाँ वो महात्माओं ने समझाया, चिन्मय संतों का स्वभाव होता है, इसी तरीके से संत लोग बोलते रहते हैं, इनके बात पर ज़्यादा ध्यान, इस तरीके की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो, आप पढ़ने आए हो केवल पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, साधना करो, बस इतना। फिर 2-4 दिन के बाद में उनका बोलना फिर बंद हो गए, फिर भूल गए वो,
हाँ, दो चार दिन बाद भूल गए। उसके बाद फिर गुरुदेव कहते थे कि मैंने मान लिया, गुरुदेव के पास रहे तो आज मैं स्वामी चिन्मयानंद हूँ। पूरे विश्व में हमारी एक चर्चा है, मैं स्वामी चिन्मयानंद हूँ। अगर वहीं से हम चले गए होते, वहीं से हम चले गए होते नाराज होकर के या कैसे भी, तो हम भी जो है जैसे घास का तिनका होता है वैसे हो जाते तितर बितर, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। तो ऐसे हम, उन्होंने कहा जैसे तुम समझो वैसा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब महापुरुष लोग कभी डांटते हैं तो उसमें दूर दृष्टि से उसमें भला ही छुपा होता है, जल्दी हमको वो बात समझ में ही नहीं आती। और देवर्षि नारद को जब भगवान ने कहा इनके अभिमान को उखाड़ फेंकूंगा, तो उनको कौन सा समझ में आई बात। हाँ, उनको तो इतना गुस्सा आया कि श्राप ही देना शुरू कर दिए, जाओ तुम भी बंदर भालुओं से मांगना सहायता, तुम भी ऐसे राजकुमार बनो, तुम भी पत्नी की बिरह में तड़पो, श्राप तो श्राप देने दें। लेकिन उसी में भगवान की कृपा छुपी है, उस बात को समझना होता है। वो बात कह रहे हैं देखो, हाँ मैं अधम तो हुआ नहीं, तो कहते किम स्विद यमस्य। अब उसमें देखो इसको कहते हैं पॉजिटिव सोचना, कुछ न कुछ यमराज का कोई काम हो सकता है, मया प्रत्येन, जब मैं वहां चला जाऊंगा पिताजी भेज देंगे तो करिष्यति, शायद हमसे वो काम हो जाएगा, इसीलिए इसमें भी कोई न कोई अच्छाई है। नूनम प्रयोजनम अनपेक्षया ये वो क्रोध बसात उक्तवान पिता, नूनम हो सकता है। अब देखो दूसरे भी बात करें, नूनम अगर नहीं भी हो सकता यमराज का कर्तव्य कोई काम नहीं होगा, तो प्रयोजनम अनपेक्षया ये वो, बिना किसी प्रयोजन के भी अगर पिताजी के मन में क्रोध वशात, क्रोध के कारण अगर पिताजी के मुख से निकला है तो भी उनकी बात का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने पालन किया है तो आगे भी करना चाहिए। तो दोनों बातें हैं, या तो यमराज का कोई काम होगा तो हमको भेज रहे हैं पिताजी तो उनका काम हो जाएगा, और नहीं उनका काम नहीं होगा तो पिताजी ने अगर गुस्से में कह दिया है तो भी हम चले जाएंगे तो पिता की आज्ञा का पालन तो हो ही जाएगा। तो दोनों तरीके से अच्छाई है, इसलिए हमको जाना चाहिए। अगला देखो मंत्र पढ़ते, हाँ हाँ जरा सा एक लाइन भाष्य का पढ़ लो, तथा अपि, देखो वही करें, हाँ इसके साथ ही है, क्रोध वसात उक्तवान पिता, क्रोध के कारण पिताजी ने कह दिया, तो एक लाइन संगति है, तथा अपि अगर क्रोध में कह दिया है तब भी, तत् पितुः वचो मृषा मा भूत, हमारे पिताजी का वचन झूठा ना, मृषा माने झूठा, हमारे पिताजी का वचन झूठा मा भूत ना हो जाए, इत्येव मत्वा, ऐसा विचार करके, मत्वा माने विचार करके, परिदेवना पूर्वकम, मन में संताप करता हुआ, मन में विचार करता हुआ पिताजी के पास चला गया, आह पितरम शोकाविष्टम किम मया उक्तमिति, तो पिताजी के पास चला गया। और पिताजी कैसे हैं, पिताजी भी शोक आविष्टम, पिताजी का मन भी शोक में आविष्ट है। अब बाद में जैसे अब वो वहाँ से बोल तो दिए थे, अब वो आचार वगैरह की सब हो गई विदाई, सब विदाई हो गई, अब शाम को हो गया होगा, उसके बाद पिताजी भी अपने कुटिया में किनारे बैठे हैं, तब उनके चित्त में आया मैंने बेटे को क्या बोल दिया, ये हमारा पुत्र इतने समय तक आज्ञा का पालन करता था और मैंने उसको कह दिया कि जा तो उसको मैं यमराज को हो देता हूँ, अब क्या होगा, ऐसा विचार करके मन में पिताजी को भी शोक हो रहा है, किम मया उक्तम, मेरे मुख से कैसे निकल गया। अब देखो पुत्र पिता दोनों का संवाद हो रहा है, और इस संवाद में एक बहुत बढ़िया ज्ञान की बात है, विचार करना, अनुपास्य यथा पूर्वे प्रतिपास्य तथा परे सस्यमिव मर्त्या पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। इस मंत्र का एक तरीके से अनुवाद है श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में,
वह जो भगवान ने अर्जुन को दो श्लोक में उपदेश दिया, क्लैव्यम मास्म गमापार्थ नई तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंत। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा श्लोक, ये तीसरा श्लोक है, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक है, कुतस्त्वा कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, फिर नीचे की लाइन, अनार्य दुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। वह जो दूसरी पंक्ति में है अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, वो यहाँ से एक तरीके से लिया गया है कि अपना जो कर्तव्य का निर्णय करना हो, कभी भी हम धर्म संकट में पड़ जाएं, कर्तव्य का निर्णय करना हो तो कैसे करना चाहिए कर्तव्य का निर्णय, तो अपनी परिस्थिति में एक तो अपने कोई ना कोई पूर्वजों को रख लो। पूर्वजों में कौन? जो हमारे श्रेष्ठ जन लोग हैं, आचार्य जन लोग हैं, दादा परदादा नाना नानी। अनुपस्य यथा पूर्वे, अनुपस्य माने विचार करिए, देखिए, विचार करके देखिए पिताजी। यहाँ पस्य माने देखना होता है ना, तो देखना मतलब क्या कहोगे? अनुपसर्ग है, अनुपस्य। अरे जैसे आप लोग कहते हो रसगुल्ला खा के देखो, खाए कि नहीं सब? तो हमको कहा कि स्वामी जी खा के देखो, अनुपस्य। अब देखना कैसे? तो आंख से तो देख रहे हैं ना, आंख से तो देख ही रहे हैं, अब क्या? बोले नहीं, खा के देखो माने खा करके अनुभव करो कैसा ये चीज बना। आप लोग भी कई बार, विद्यार्थी लोग बोलते हैं उसने कहा मारूंगा, वो दूसरा वाला कड़ कहता मार के देखो। तो मार के देखेगा कैसे? माने मारने के बाद जो अनुभव होगा वो देखना आप। तो इसका नाम होगा विचार करना, चिंतन करना। अनुपस्य यथा पूर्व, जैसे पूर्वज लोग हमारे करते थे वैसे ही हमको करना चाहिए। ये नचिकेता अपने पिताजी को कह रहा है, पिताजी चिंता मत करिए, पिताजी आप शोक में मत जाइए, हम अपने पूर्वजों का विचार करना चाहिए, जैसे बड़े लोग करते थे वैसे हमको करना चाहिए। फिर दूसरा कहता है, अच्छा कोई ऐसी चीज है कि बड़े लोगों की बातें ना हो? हाँ, क्या दृष्टांत दूं बड़े लोगों का? प्रतिपस्य तथा अपरे, अपरे माने अन्य जन, ये वर्तमान कालिक हो गया, वर्तमान में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मोबाइल चलाऊं कि नहीं? आप कह दो नाना जी नहीं चलाते थे, तो नाना जी के ज़माने में मोबाइल था ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? है ना, एक ही दिन में बारात आती है, तो फिर तो अब जैसे है, खाना बैठ के बनाना चाहिए कि खड़े होके? हाँ, आपने कह दिया नाना नानी बैठ के बनाते थे, परदादा हमारे बड़े पुराने लोग जो थे वो बैठ के बनाते थे, तो भाई उस जमाने में गैस नहीं थी, गैस नहीं थी, चूल्हे पे बनाते थे तो बैठ के बनाते थे। अब नियम ये है कि गैस के ऊपर चूल्हा होना चाहिए, गैस का जहाँ पर नाभ है उसके नीचे चूल्हा होगा तो कभी भी खतरा हो जाएगा, जलने का घटना होगी। तो जितना गैस है गैस के ऊपर ही चूल्हा होना चाहिए, तो कैसे बैठ के बनाएगा? हाँ, गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर अगर इतना बड़ा है तो इसके ऊपर ही चूल्हा होना चाहिए, नीचे होगा तो जलने का खतरा बना रहेगा हमेशा, और नहीं तो इसका बाकायदा अनुभव आलोक को है। खाना बनाने में जरा सा दुर्घटना कैसे होती, आलोक का बाकायदा इसका अनुभव है, वो कभी भूलेगा नहीं जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता वो, है ना। तो अब उनके ज़माने में, दादा परदादा के ज़माने में तो जो है गैस थी नहीं, तो बैठ के बनाते थे, अब कैसे करें भाई? अब आपको खड़े होके ही बना, इसको कहते तथा अपरे। तो एक उदाहरण लिया हमने पूर्वजों से और एक लिया हमने वर्तमान से। पिताजी पूर्वजों का विचार करिए, अपरे माने वर्तमान में विचार करिए, और कोई ऐसे नहीं है जो अपने वचन को झूठा करे हों। पूर्वज में जो लोग थे उनके मुख से जो निकलता था सत्य होता था, वही करते थे। वर्तमान में भी जो श्रेष्ठ लोग हैं वो जो कहते हैं वही करते हैं, तो इसलिए पिताजी आप दुखी मत होइए, हमको जाने दीजिए। हाँ, एक बात है कि
अगर पिताजी ने आपने हमको मना कर दिया कि नहीं नहीं ठीक है, तो गुस्से में मैं बोल दिया था मैं नहीं चाहता कि तू जा मर जा, मैं नहीं चाहता यहीं रहो मेरे पास रहो, अगर आपका वचन झूठा भी हो गया तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा, क्या मैं कभी मरूंगा? नहीं। ये मनुष्य कैसे हैं? सस्यम इव मर्त्या, मर्त्या माने मनुष्य, मरण धर्मा मनुष्य, जो मरने वाले हैं ये सब कैसे हैं? फसल के जैसे, सस्यम कहते हैं फसल, अनाज के जैसे पैदा होते हैं, पैदा होते हैं फिर कुछ दिन बड़े होते हैं, धीरे धीरे फल लगता है और एक दिन सस्यमिव पक जाते हैं। सस्यमिव मर्त्या, भैया पक गए, जब पक गए तो क्या बढ़िया दृष्टांत दिया। अच्छा, कोई जब देखो ना, कोई बीज बो उसमें से अंकुर निकलता है तो कितना कोमल कोमल होता है, उसको छुओ भी तो अच्छा लगता है, कोमल कोमल पत्तियां होंगी उसके सब का सब, अब बढ़िया लगता है, फिर उसको खाद पानी दिया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, फिर डालियां निकली, फिर फूल निकला, और फिर जब सूखने लगता है तो कोई देखना पसंद फिर नहीं करता। हाँ महाराज क्या बताएं, अब वो चेहरा था जो देख सब देखना चाहते, छोटा बच्चा हो सब आदमी गोद में लेना चाहेगा, हाँ जिसको देखो वही आके नोच के गाल चला जाता है, बड़ा प्यारा है। हाँ बाद में महाराज जब बुढ़ापा आया, फसल पक गई, हाँ हाँ सब बुढ़े बुढ़े मर रहे हैं, आप लोग सावधान रहना, जवान नहीं मर रहे कोई, सब बुढ़ुए को सता रहा है। तो सस्यमु जायते पुनः, फिर से ये फसल के जैसे पैदा होते हैं, फसल के जैसे मर जाते हैं, तो इसके लिए चिंता मत करिए, पिताजी हमको जाने दीजिए। भाष्य देखो, अनुपस्य आलोचय निभालयानुक्रमेण यथा येन प्रकारेण वृत्ता पूर्वे अतिक्रांता पितृ पितामह आदयस्तौ। अनुपस्य, अनुपस्य कर्त किया आलोचय, निभालयानु अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, मनन कर लीजिए, मनन कर लीजिए। क्रमेण, अरे क्रम से, क्रम से दादाजी का, फिर बाबा जी का, दादा बाबा कैसे होंगे, आपके नहीं पर दादा एक होते थे ना, पर दादा, दादा पर दादा लक्कड़ दादा ऐसे बोलते थे। तो विचार कर लो, कभी वो झूठ बोले, क्रम से विचार कर लो, बाबा कभी झूठ बोले, कभी चाचा झूठ बोले, उन्होंने जो कहा सबका सब सही किया, तो पिताजी क्रम से विचार कर लीजिए। पूर्व ये एन प्रकारेण वृत्ता, जैसा व्यवहार पिताजी आदि ने किया, पूर्वे अतिक्रांता कौन कौन, पितृ पितामह आदयः, तो आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके श्रेष्ठ जन लोग जैसा व्यवहार करते थे वैसे करना चाहिए। देखो कहते, तान दृष्ट्वा च तेषां वृत्तमास्थातुम अर्हसि। तान दृष्ट्वा, उन बड़े लोगों को, बुजुर्गों को देख करके, तेषां वृत्तम जैसा वो व्यवहार करते थे उसी वृत्ति में, वैसे व्यवहार में अस्थातुम अर्हसि, वैसे हमको भी करना चाहिए। क्या क्या कहते हैं, महाजनो एन गता सा था, है ना, महाजनो एन, बड़े श्रेष्ठ लोग जिस रास्ते से गए उसी रास्ते पर हमको भी चलना चाहिए। अब इसका दूसरा अर्थ ना समझ लेना, नहीं तो फिर कहानी हो जाएगी हितोपदेश की, सुनी कि नहीं। वो चार बालक गए काशी, वहां से खूब पढ़ लिए, व्यवहारिक ज्ञान, सुन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, शास्त्र का पूरा रट डाला, वहां से सब 12 साल पढ़ के चले, पोथी ओथी लेकर के घर चलेंगे, एक जगह पर दो रास्ता मिल गया, ऐसे रास्ता इधर इधर, किधर से जाएं किधर से जाएं, समझ में नहीं आ रहा था, इधर से बाएं वाला दाएं वाला। एक ने कहा चिंता क्यों करते, मैं अपनी पोथी खोलता हूं, तो उसने अपना कोई पोथी खोली जो लिए था, उस पोथी में कौन से रास्ते से जाना चाहिए, तो उसमें यही वाला श्लोक निकला, पूरा श्लोक याद है, ये तो केवल नीचे की लाइन है,
तारको अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न, जो हमको याद था हम इस तरीके, तारको अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न नैको मुनिर्यस्य वचा प्रमाणम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो एन गता सपंत, याद है झा, इस सुभाषित में पढ़ाया जाता था। तो हाँ, नीचे वाला जो लाइन है, महाजनो एन गता, ये निकला ना कि महाजन लोक, श्रेष्ठ लोक, जिस रास्ते से जाते वही रास्ता। ये देखो पोथी में लिखा है उच्चारण का, फिर कौन सा रास्ते से, बोले तब तक गांव का कोई एक बड़ा सेठ मर गया था और सब पगड़ी उगड़ी बांधे महाजन लोग, महाजन माने क्या होता है गांव के, सेठ साहूकार हो गए, तो वो अर्थी पर बांधे, उसको राम नाम सत्य किए हुए लिए चले आ रहे थे। तो उनका पोथी में लिखा है महाजनों येन गता सपंथा, महाजन लोग जिस रास्ते से जाते उसी रास्ते से जाना चाहिए, तो इनके साथ साथ चलें। महाराज उसके पीछे पीछे चल पड़े। अच्छा विष्णु भी बैठे हो, जब चल पड़े तो कहाँ पहुँच गए अंत में, शमशान घाट में पहुँच गए, क्योंकि वहाँ शमशान में जाना था। वहाँ महाजन का अर्थ था श्रेष्ठ लोग जिस रास्ते पे चलते हैं उस पर चलना चाहिए, और उन्होंने महाजन का अर्थ कर लिया कि ये सेठ साहूकार लोग श्रेष्ठ, हाँ उसी रास्ते पे चलो। देखो बलद बदल गया, तो शास्त्र का ज्ञान तो था, व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं था, है न? अरे वो कहानी और आगे जाती है, सुनी कि नहीं, नहीं। झूठ मत बोलना, तुम जरूर सुने होंगे, नहीं सुने हो, किसको किसको नहीं याद है। अरे फिर जब शमशान में पहुंच गए ना, तो शमशान में वहां देखा तो एक गधा खड़ा था, तो सब तो चिता लगा लिए, उसको जलाने वलाने लगे साहूकार लोग, वो गधा दिखाई पड़ गया, तो गधा दिखाई पड़ा तो बोले ये कौन है, चारों ने कभी गधा देखा ही नहीं था जिंदगी में, चारों ने गधा कभी नहीं देखा था, और बिल्कुल शांत तो गधा खड़ा था। दूसरे ने कहा मैं पोथी खोलता हूँ, उसने दूसरे ने पोथी खोली, तो पोथी में लिखा था राज द्वारे शमशाने च, कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ आदमी को जाने में डर लगता है, राजा बुला ले भाई आओ, डर लगता है शमशान में जाने में, डर लगता है। तो ऐसे सगा पर जो साथ देवे वो आपका असली भाई बंधु है। हाँ, या तिष्ठत सा बांधवा, या तिष्ठत, जो ऐसे जगह पे साथ देवे वही आपका असली भाई है। शमशान में ये जो खड़ा है हमारे साथ, ये हमारा भाई, बस आप तो जैसे कहा ये हमारा भाई है, हमारा सब मिलके चारों। और वो गधे को एक बाल्टी पानी ले आया, नहलाया, कोई उसको जो है सेवा करता है, गले लगाता है, गधा हमारा भाई, गधा हमारा भाई, भाव नहीं समझे। तब तक थोड़ी देर के बाद में एक बहुत तेज तेज गति से चलता हुआ ऊंट आया, जल्दी जल्दी ऊंट चला जा रहा था उधर से। ये चारों ने ऊंट भी कभी नहीं देखा था, उनका ये क्या है, बड़ी तेज तेज जा रहा है। तीसरे ने कहा मैं अपनी पोथी खोलूं, उसने तीसरे ने पोथी खोला तो उसमें लिखा कि धर्म की गति बहुत तेज होती है। वो पूरा श्लोक है, गहना नहीं, वो तो गीता का बोल रहे हो। हाँ, धर्म की गति बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। अब वो जब पढ़ा, अरे तो ये तेज तेज जा रहा है, तो ये धर्म है, बस मैं रहा है। अब तो ऊंट के पीछे लग गए। चौथे ने कहा रुको रुको अपनी पोथी मैं खोलूं, चौथे ने जब अपनी पोथी खोली तो उसमें लिखा था कि जो अपने सगे संबंधी हैं, जिनका भला चाहते हो, उनको धर्म के साथ जोड़ दो। क्या है संस्कृत में, मित्रम धर्मे, मित्रम धर्मे नियोजये, अपने मित्र, हाँ, जो आपके अपने हैं उनको धर्म के साथ जोड़ दो। तो शमशान में जो खड़ा था ये है अपना बंधु, और ये जो तेज दे जा रहा ये है धर्म। तो मित्रम धर्मे नियोजित, अपने को धर्म के साथ जोड़ दो। ले आओ रस्सी, रस्सी ले आए, गधे को पकड़ के और ऊंट के साथ उसको जोड़ दे। मतलब तो समझे नहीं, उल्टा समझ गए। और जब जोड़ दिया महाराज, वो जो ऊंट था वो छटपटा के भागा, तब तक पीछे से देखा
जो गधे का मालिक था लाठी लेके दौड़ा और ये चारों इनको पीट पीट के वहाँ से भगाया, इधर गए उधर गए उधर गए। और आगे की कथाएं यहाँ ख़त्म नहीं होती, बड़ी आगे की लंबी कथा है, नहीं सुना आगे? हाँ वो नहीं, वो दूसरा है, शेर वाला दूसरा, शेर की हड्डी उड्डी जो मिलती वो दूसरा है। ना ना वो नहीं। फिर चारों वहाँ से जब भागे, उधर से भागते भागते वो पीछे से गधे का मालिक पीछे, क्योंकि गधा तो मर गया, लटके लटके फांसी लग गई उसके गले में मर गया। तो अब जो धोबी दौड़ा चला आ रहा है, मारता हूँ इसको, मेरी गधा मार डाला। तब भागते भागते सामने नदी आई, अब क्या करे, वो पीछे से डंडा लिए लाठी लिए दौड़ा आ रहा है। अब चारों बेचारे फिर पोथी खोली तो उसमें लिखा था कि जैसे लिखा है ना, डूबते को तिनके का सहारा, ये जो बहती हुई नदी में जो आएगा पल्लव वो हमको पार करेगा जो इसमें एक नौका आएगी वो पार, उसमें ये है जो ऐसा तारने वाला। उतने में एक झाड़ी बहती हुई, उसने कहा ये हमको पार करेगा, उस पर कूद गया। जब डूबने लगा तो दूसरे ने कहा कि जब वो क्या कहते तो भागे भूत लंगोटी सही वो तलवार निकाल के उसकी गर्दन काट लियो जब पूरा डूब रहा है तो आधे तो बचा लो वो पंडित एक तो वहां निपट गए हम एक। अब उसके बाद फिर तीनों भागे गए एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में लोगों ने समझा इतनी पोथी त्रिपुंड लगाए, बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग आए हैं, इनको भोजन कराया जाए। तो तीन घरों में अलग अलग न्योता मिला, और एक घर में नहीं, एक को उन्होंने न्योता दिया, दूसरे को उन्होंने, तीसरे को उन्होंने, तीनों को जब न्योता मिला तो एक घर में जब पंडित जी गए बढ़िया चौकी पे बैठे और उनके सामने सब थाली आई, तो उसमें जो है बड़े प्यार से वो घर का जो मालिक था सेवइयां बनाया था, उस जमाने में सेवइयां लंबी लंबी बना करके। अब जब उनके सामने सेवइयां आई, उनका बिना बिचारे खाना नहीं चाहिए, समझ लेना चाहिए क्या है। तो उन्होंने कहा एक सूत्र हाथ तो आ गया ना, दीर्घ सूत्री जो लंबा लंबा है, जो लंबे से काम करेगा, बहुत धीरे धीरे काम करने वाला दीर्घ सूत्री मर जाएगा, विनश्यति। दीर्घ सूत्री मतलब एक दिन का काम 5 दिन में करे, हाँ दीर्घ सूत्री विनश्यति। अरे लंबा लंबा खाने वाला मर जाएगा, ना मैं नहीं खाता होता। और वो भोजन छोड़ के चला गया, घर के लोग हंसने लगे, बताओ कहाँ का सूत्र कहाँ लगाना चाहिए, लगाया कहाँ पर भोजन। दूसरे के यहाँ गए, तो दूसरा पंडित गया, वो दूसरे पंडित का जो है बड़े प्यार से बड़ा बनाया था, बड़ा क्या होता है उसमें गोल गोल उसमें छेद कर देते हैं, है ना, तो उसमें छेद कर देते हैं। तो जैसे छेद वाला दिखाई पड़ा, उसने कहा नहीं, बहु छिद्र, जिसमें छेद होता है उसमें बड़े दोष होते हैं, ये खाना ठीक नहीं, उसको छोड़ दिया। तीसरे के यहाँ गए, तो तीसरे को लपसी बनाई गई थी, लपसी क्या होती होगी, हाँ लपसी माने पूरी थाली में जो फैल जाता है हलवा जैसे, वैसे अपने शास्त्र में एक आया है जौ की लपसी, जौ की लपसी का वो निदाघ वाले प्रसंग में आया है, ऋषि ऋभु और निदाघ उनका शिष्य था, तो उस पे जो है निदाघ की पत्नी ने लपसी बनाया था। यही दोनों चीज अपने साथ जौ की लपसी वहाँ पर बनाया था, ऋषि महर्षि ऋभु को खिलाया था, तो ये वर्णन आया है वहाँ पर, इस तरीके से वर्णन आया है। तो लपसी, तो जैसे वो फैला था वो देख करके कहा जो ज्यादा फैलता है वो विनष्ट हो जाता है, बस वहां से भाग गया। हमारा शास्त्र को थोड़ा सा समझना चाहिए, चलो जी तुम लोगों ने हमको उधर घड़बड़ा दिया ना, तो अपने पूर्वजों को देख करके निर्णय कर लो, फिर इसके बाद बच्चा पूर्वज नहीं तो वर्तमानश्च अपरे साधवो यथा वर्तन्ते तांश्च प्रतिपस्य आलोचयत। वर्तमानश्च, वर्तमान में अपर जो और लोग हैं, कौन लोग हैं, साधवो श्रेष्ठ जन है, देख लो इसलिए लिखा क्या, साधवो
मतलब वर्तमान में जो श्रेष्ठ जन हैं उनका देख करके विचार करना, प्रतिपस्य उनका विचार करो, जैसे वो करते हैं वैसे करना चाहिए। तो अपने पूर्वजों से सीख लो, वर्तमान में श्रेष्ठ जनों से सीख लो। क्या क्या सीखने का है? नाच ते सुमृषा करणम वृत्तम वर्तमानम वास्ति, नाच ते सुमृषा करणम। ये हमारे श्रेष्ठ जन लोग, चाहे पूर्वज चाहे वर्तमान में, ये लोग कोई ऐसा वाणी नहीं बोलते जो झूठी हो जाए। कोई अपनी वाणी ऐसी नहीं बोलते थे जो झूठा, मृषा करणम वृत्तम, ऐसा व्यवहार नहीं करते थे जो झूठा हो जावे। तद विपरीतम असताम चा वृत्तम मृषा करणम। तद विपरीतम, अगर उनके विपरीत आप आचरण करोगे, जैसे पूर्वज किए थे उनके विपरीत आचरण करोगे, श्रेष्ठ जनों के विपरीत आचरण करोगे, तो क्या होगा? असताम च वृत्तम, तो असत वृत्ति वाले हो जाओगे, झूठा व्यवहार हो जाएगा, ऐसा आचरण करना ठीक नहीं है। आगे कहते नाच मृषा कृत्वा कश्चित अजर अमर हो भवत। अरे झूठे बोल लोगे तो क्या अजर अमर हो जाओगे क्या? नाच मृषा कृत्वा, झूठ बोलने से अगर अजरता अमरता मिलती हो तब तो बोल लो। हाँ, अगर झूठ बोलने से आपका बुढ़ापा दूर हो सकता है तो बोल लो। हाँ, अमर हो सकते हो तो बोल लो। चलो, ये भी तो नहीं है ना कि हमारे आचार्य जी एक शब्द कहते हैं कि लहसुन भी खाया रोग भी नहीं दूर हुआ, भक्षिते लहसुन अपि। हाँ, किसी ने कहा लहसुन खा लो तो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, लहसुन खाया, खा लिया और उसके बाद भी मर गए तो तो फिर रोग तो नहीं दूर हुआ। तो ऐसा नहीं होना, नाच मृषा कृत्वा कश्चित अजर अमरो भवती, कोई ऐसा करके व्यवहार अजर अमर होने वाला नहीं। क्यों? यतः, यतः माने क्यों? सस्यम इव मर्त्यो मनुष्य पच्यते जीर्णो म्रियते। सस्यम इव फसल के जैसे, अनाज के जैसे मर्त्यः मनुष्यः, मनुष्य पच्यते पक जाता है, यानी वृद्ध हो जाता है, जीर्णो जीर्ण हो जाता है और अंत में म्रियते, यानी अब हम लोग तो बच्चे नहीं है ना, बच्चे होते तो पढ़ते थोड़े, बच्चे होते तो खेलते, तो हम लोग कहाँ अब पीछे थोड़े, अब हम लोग कहाँ आगे पकेंगे और आगे क्या कहूँ, कटेंगे ना, पकेंगे मरोगे, तो पच्यते जीर्णो म्रियते। अच्छा, जब मरेंगे तो फिर से जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म, तो फिर चूंकि अभी संस्कार तो सारे खत्म नहीं हुए, कर्म का सारा समूह खत्म तो हुआ नहीं, तो कह रहे मृत्वाचा सस्यम इव जायत, मरने के बाद फिर से पैदा होंगे, फिर से पैदा होंगे, फिर से आविर्भवती पुनः एवं अनित्य जीव लोके किम मृषा। करे सस्यम इव अजायत, मृत्वाचा मर करके सस्यम इव फसल के जैसे, अजायत फिर से आविर्भवत, फिर से हमको पैदा होना पड़ेगा पुनः, कहाँ पर? एवं अनित्य जीव लोके, इसी अनित्य मनुष्य लोक में फिर से आना पड़ेगा। तो फिर से आओगे, फिर से बालक बनोगे, फिर से बड़े हो जाओगे, पक जाओगे, मर जाओगे, फिर से आओगे और ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहे। किम मृषा करणेन, तो झूठ बोलने से क्या फायदा? अगर झूठ बोलने से आवागमन का चक्र मिटी जावे तो बोल लो, ये भी तो नहीं है ना। इसलिए पालय आत्मनः सत्यम, ए नचिकेता अपने पिताजी को करा, पिताजी इसलिए अपनी वाणी का पालन करिए, सत्यम पालय आत्मनः, अपना सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्यम कृत्वा इह सत्यम कृत्वाय भवति अजरा अमरः, क्योंकि सत्य का पालन करोगे तो अजर अमर हो जाओगे। कैसे? सत्य का पालन करोगे तो अजर अमर हो जाओगे, उसमें नहीं लिखा है लाइन, ये पंक्ति अब आपको लाना पड़ेगा। कहाँ पर? जो कहाँ लिखा था, हाँ, सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथो विततो देव यानः, नीचे का सत्येन पंथा विततो देवयाना इति श्रुते, ये अपना श्रुति का
मंत्र है कौन सा? मुंडक उपनिषद का। ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है, जो सत्य का पालन करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। इसलिए पालय सत्यम, सत्य का पालन करिए। प्रेषय माम यम, हाँ प्रेषम माम यमाय इति अभिप्राय, हमको यमराज के पास भेज दीजिए, जाने दीजिए। अब ये नहीं कि गुस्से में ताव आ करके चला गया, नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूँ, हाँ नहीं, कहता है पिताजी आप विचार करिए, अपने पूर्वजों को देखिए, वर्तमान को देखिए, अपने वचन को झूठा नहीं करना है, जो मुख से निकल गया उसका पालन करना है। झूठ बोलने से भी कोई हम अमर तो होने वाले नहीं, हमको यमराज के पास जाने दीजिए। और ऐसा कहते हैं तो फिर एक पंक्ति और पढ़ते हैं। स एवं उक्ता पिता आत्मना सत्यताये प्रेषया मास, स एवं उक्ता, जब ऐसा पूछा कहा तो ऐसा कहने के पर पिता धैर्य धारण करके सत्यताये सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता को भेज दिया, जाओ ठीक है बेटा तुम जाओ, तुम विजयी भव, चिरंजीवी भव, सुखी भव, सफल भव, जाओ, ऐसा आशीर्वाद दिया और ऋषि ने, वाजश्रवसा ऋषि ने यमराज के पास भेज दिया। इसके बाद आता है कि उस जब वो चल पड़ता है तो उसके आगे आगे एक प्रकाश की किरण चलती है, और ये जो हमारा उपनिषद है इसका विस्तार में कहीं पर जो काठक का आरण्यक भाग है वहाँ पर आता है। तो यह जो उपनिषद है ये हमारा ब्राह्मण भाग का है, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग का है। तो आरण्यक भाग में आता है कि जैसे जब आप चलोगे तो आगे आगे, हाँ टार्च की रोशनी कितनी दूर जाती है, टार्च की रोशनी कितनी दूर जाती है, अरे ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100 फुट 200 फुट यही ना। और उसी टार्च की रोशनी से आप यात्रा करना चाहो तो 10 किलोमीटर की यात्रा कर लोगे, यही ना, जैसे जैसे चलोगे रोशनी आगे आगे चले। तो ऐसे जब नचिकेता श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है तो उसके आगे आगे एक प्रकाश की किरण चलती है, ऐसा बताया। और उसी रास्ते से चलता चलता, प्रकाश के पीछे पीछे चलता चलता, वो यमराज के दरवाजे पर पहुंच जाता है। साचा यम भवनम गत्वा तिस्रो रात्रि रुव सा यमे प्रोसिते, तो वो जब यमराज के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पहरेदार लोग लगे थे। पहरेदार उनका कहां से आया बालक, उसने कहा यमराज से मिलना है, हमको पिताजी ने भेजा है। पहरेदार ने कहा यमराज तो है ही नहीं, बाहर गए हैं काम पर। यमराज का काम कौन सा रहा होगा, हाँ दो चार को जाके मार के ले आओ, यही ना, यमराज है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं। तुम यहाँ बैठो, ब्राह्मण के बालक हो, तुमको जल ला के देते हैं, जल पियो, भोजन कुछ करो। उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने हमको यमराज को दे दिया है कि मैं यमराज का हूँ, तो मैं तो अब यमराज का हूँ, तो अपनी मर्जी से मैं कैसे खाऊँ, मैं कैसे जल पीऊँ। अब मैं यमराज का हूँ तो जब यम देवता हमको जल कहेंगे पियो तब मैं पीऊँगा, जब यम देवता कहेंगे कुछ खाओ तो मैं खाऊँगा, क्योंकि अब मैं अपना नहीं हूँ, मैं हो गया किसका, यम देवता का, तो मैं इंतजार करता हूँ। तो वहीं वो खड़ा रहा, वहीं वो खड़ा रहा, मतलब ना वापस आया, वापस भी नहीं आया, और ना कुछ खाया ना पिया। क्यों? क्योंकि हमको तो दिया पिताजी ने यम देवता को, तो मैं यमराज का हूँ, वो कहेंगे तुम ऐसा करो तो जो कहेंगे सो कर लूँगा, क्योंकि मैं अब अपना व्यक्तिगत, अपनी कोई सत्ता नहीं, अपना व्यक्तित्व को मिटा चुका है। अब इसके बाद हुआ क्या, एक दिन बीत गया कुछ खाया पिया नहीं ब्राह्मण का बालक, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गया, बैठ तीसरे दिन यमराज जी वापस आए, भैंसाओं ऐसा पियाते होंगे, यमराज आए। विशेषता यह है कि इस दरवाजे से नहीं आए, जहाँ पर नचिकेता बैठा था उस दरवाजे से नहीं, जैसे कभी कभी तुम लोग पीछे के दरवाजे से है ना, तो यमराज जी जो है किसी दूसरे दरवाजे से अंदर आ गए। स्वाभाविक ऐसा होता है, सभी जगह पर होता है। तो अब वो नचिकेता जिस दरवाजे पर बैठा उसी दरवाजे से आ जाए तो पता लग जाता कोई पीछे के दरवाजे से वो यमराज महल के अंदर आ गए। जब महल के अंदर आए तो एक खबर तो सब घर के अंदर फैल गई थी पूरा का पूरा, कि एक ब्राह्मण का बालक, तेजवान बालक बैठा हुआ है, ना खा रहा है ना पी रहा है, कह रहा है यमराज से मिलूंगा।
अब तो जल्दी से जो कुछ मंत्री लोग थे यमराज के, वो दौड़ के आए, यमराज की पत्नी दौड़ के आई एक घड़ा जल लेकर के, और फिर ये यमराज के मंत्री और उनकी पत्नी यमदेवता को कुछ कहते हैं, जो यमदेवता को कहते हैं वो इस मंत्र में है, सातवें मंत्र में। हम लोग अब इसको कल पढ़ेंगे, आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। वो यमराज की पत्नी और यमराज के मंत्री लोग जो यमराज को कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो क्या कहते हैं हम लोग कल। कुछ नहीं समझ में आया हो? आज तो बहुत आसान था। तीन प्रकार के पुत्र, तीन प्रकार के शिष्य, उत्तम, मध्यम और अधम मत कहो, कनिष्ठ कहो, ठीक है चलेगा। उत्तमश्चिंतनम कुर्यात् प्रोक्त कारी तु मध्यमः, उत्तमश्चिंतनम कुर्यात् प्रोक्त कारी तु मध्यमः। ये तीन प्रकार के होते हैं। नचकेता ऐसा पिताजी को समझा के चला जाता है। और दो यहाँ पर आपके लिए कसौटी दिया, जब कभी धर्म संकट की परिस्थिति आवे तो विचार कैसे करना, बोले पूर्वजों को उस परिस्थिति में रखो, अपने श्रेष्ठ जनों को और वर्तमान के लोगों से विचार करो। ये दो कसौटी है, अगर ये दो कसौटी पर रखोगे तो जो निर्णय होगा हमेशा सही होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।